सभी बीपीएससी का परीक्षा देने जा रहे बच्चों से एग्जाम के दिन किस तरह से तैयार होकर जाना है, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जानकारी दे रहा हूं, ताकि आप अपने पढ़ाई करके अपने ज्ञान तो अपने पास संजो करके रखा है, परंतु एग्जामिनेशन के दिन जब आप एग्जाम में होते हैं तो बहुत तरह का ऐसा फैक्टर भी होता है जो आपके जानकारी वाले चीजों को भी रिजल्ट तक पहुंचने नहीं देता है, जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जो हमारी बौद्धिकता को परेशान करता है, जो हमारे मनोस्थिति को विचलित करता है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को जो अब एक दो दिन में जो एग्जामिनेशन होने वाला है बीपीएससी, तो आपकी तैयारी अपनी ओर से बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको उस दिन की भी एक तैयारी करनी चाहिए, ताकि वो दिन आपका अच्छा गुजरे और जो भूल बस कुछ प्रश्न आपका इधर उधर हो जाता है जो कंपटीशन में बहुत महत्व रखता है, तो मात्र एक दिन की विशेष तैयारी से आप अपने प्रतिद्वंदियों से, जो कि दिन की तैयारी नहीं करता है, उससे 4 से 5 अंक ऊपर रह सकते हैं, अपने नर्वसनेस को नियंत्रित रख सकते हैं। इस तथ्य के लिए आज आपके सामने हम ये वीडियो दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आर के राघव, जो अपने बच्चों को बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, खास करके इस 3 सेक्टर में जो रीजनिंग विषय पूछा जाता है वह पढ़ाता हूं, और उसको पढ़ाने के क्रम में जो बच्चों के अंदर एग्जामिनेशन को लेकर एक भय या एग्जामिनेशन को लेकर जो नर्वसनेस होता है उसको दूर करने के लिए जो कक्षा के अंदर हम चीजों को रखते हैं, तो काफी बच्चों का अनुरोध इस तरह का होता है कि इस तरह की चीजें हर एग्जामिनेशन में होती है और हर बच्चों को जानना चाहिए। तो आप सभी बीपीएससी के परीक्षार्थी के लिए आज मैं एक दिन विशेष को तैयार करने का ये वीडियो तैयार किया है, उम्मीद है आपको ये कुछ मदद करेगा, आपके कुछ अंक बढ़ाएगा। तो इसके लिए हम आपके सामने वो स्क्रीन रखने जा रहे हैं, जिससे आपको हम इस तथ्य के प्रति रेडी कर सकेंगे। बीपीएससी के लिए आपको किस तरह से अपने आप को तैयार करना है उस दिन विशेष के लिए, आज हम इसी कड़ी में चीजों को आपसे साझा करेंगे। तो उस कड़ी में आपके सामने सबसे पहले बीपीएससी की परीक्षा के दिन की तैयारी को लेकर के ये स्क्रीन आपके सामने है। अब आगे हम इसमें तैयारी किस रूप में करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या करने से बचना है, इन चीजों को आपके सामने रखते हैं। पॉइंट वाइज आप देखिए, तो जो सबसे पहला पॉइंट है, आपको हम ये स्क्रीन थोड़ा बिग करके आपके सामने रखते हैं, एक एक करके पॉइंट आपके सामने रहेगा, आप उसको समझते चलेंगे। यहां पर ध्यान देने योग्य बातें निम्न है, परीक्षा किसी भी परीक्षा के लिए यह है, चूंकि बीपीएससी हाल में है तो उसको लेकर बच्चे जो अब तैयार अपने आप को कर चुके हैं, तो वो उस दिन विशेष के लिए अपने आप को कैसे रेडी रखें, इसके लिए ये पॉइंट आपके सामने है। किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए आपको दिन विशेष के लिए कैसे अपने आप को तैयार करना है, तो पॉइंट नंबर 1, जिस दिन परीक्षा है उससे 1 दिन पूर्व आप उस शहर में पहुंचे जिस शहर में आपका परीक्षा केंद्र है, ये जरूरी है। आपके अंदर जो भाग दौड़ की स्थितियां रहती है, जो जल्दी जल्दी आप पहुंचने और परीक्षा देने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं,
वो हड़बड़ाहट का साइकोलॉजी एग्जामिनेशन तक जाता है और वह एग्जामिनेशन में आपको कुछ प्रश्न में जरूर बाधा उत्पन्न करता है, जाना हुआ प्रश्न भी आपसे भूलवश गलत होता है। तो इन स्थितियों से बचने में सबसे पहला पॉइंट है कि आप चाहे वो शहर दूर हो या नजदीक, लेकिन आप एक दिन पहले उस शहर में जाएं। आप परीक्षा के लिए पूरा बरसों काम किए हैं और काफी उस पर पैसा भी आपने खर्च किया है, और मामूली सा एक दो अंक के कारण आप अगर छूटते हैं जो दिन विशेष के लिए ना तैयार होने की वजह से, तो आप उसको नियंत्रित करने के लिए ये काम जरूर करें कि आप उस शहर में एक दिन पहले पहुंचे। दूसरा पॉइंट, परीक्षा से एक दिन पूर्व रात में खाना 9 बजे से पहले खा लें। हर चीज का महत्व है, काफी कभी दूसरे वीडियो में हम इसका डिटेल भी आपको देंगे, तत्काल शॉर्ट में बताते हैं। 9 बजे के पहले खाना खा लें। खाना खाने के समय आप पानी ना पिए, मतलब अगर एकाध घोट बहुत आवश्यकता हो तो भले पिए, लेकिन जो खाना खाने के बाद एक ज्यादा मात्रा में पानी पीने का हैबिट होता है लोगों को, तो उस दिन आप कुछ अलग करें कि खाना खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी ना पिए, खाना अन्य दिन की अपेक्षा थोड़ा कम खाएं, और जब खाना खा लें, तीसरा पॉइंट है, खाना के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, बल्कि खाने के 1 घंटे बाद गुनगुना पानी इच्छा अनुसार पीना है, जितना मन करे उतना पानी पीना है, गुनगुना गर्म पानी पीना है, हल्का गर्म पानी पीना है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या है कि 1 घंटे बाद जब आप पानी पीते हैं तो हार्मोन्स एंजाइम्स आपका बेहतर तरीके से सिक्रीट होता है और वो भोजन पर अपना प्रभाव देना शुरू कर देता है। अगर तुरंत पानी पीते हैं तो हार्मोन एंजाइम पानी पर तैरते रहता है और देर से वो प्रभाव भोजन पर डालता है, तो खाना पचने में टाइम लग जाता है। जो प्रक्रिया बताई से खाना जल्दी आपका पचेगा, और जब आप पानी थोड़ा गर्म करके पी लेंगे तब पानी पीने के 45 मिनट बाद सोने की चेष्टा करें। यहां देखिए सोने की चेष्टा के साथ 8, 16, 32 लिखा हुआ है कि आप दाहिना करवट में 8 बार सांस लें और पीठ के बल लेटकर 16 बार सांस लें और बायां करवट में 32 बार सांस लेते हुए सो जाएं। आप ये नियम अप्लाई करेंगे आपको नींद ठीक से आ जाएगी। ये नींद आने के लिए ही हमने ये योग की एक पद्धति है उसको शॉर्ट में लिखा है। राघव क्लासेस से जो जुड़े बच्चे हैं वो ये सब चीज जानते हैं, लेकिन हमने बता दिया है आप कर सकते हैं। दाहिना करवट में पहले दाहिना करवट 8 बार सांस, पीठ के बल 16 बार सांस और बायां करवट 32 बार सांस। उस रात मोबाइल में समय ना दें, खास करके स्क्रीन देखें नहीं। सुबह जागने के लिए आप उसका उल्टा करें, जब आप जग जाएं तो जगने के बाद जो थोड़ा देर बेड पर रहते हैं तो उसमें पहले बायां करवट में 32 बार सांस, फिर पीठ के बल लेटकर 16 बार और फिर दायां करवट लेकर 8 बार सांस लेकर आप उठ जाएं। सुबह जगने के बाद अगला पॉइंट है, सुबह जगने के बाद अपने आप में एक स्वतः उत्साह होगा, जो ये प्रक्रिया बताया गया इससे ये चीज आ जाता है, आपके अंदर एक उत्साह होगा। उस उत्साह को आप परीक्षा भवन तक बनाए रखें। उसके लिए आपको क्या करना है, परीक्षा के दिन कुछ भी पढ़ने से बचें। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है तो सिर्फ उसको देख लें, अगर ऐसा लगे कि कुछ छूट रहा है तो सिर्फ देख लें। हालांकि हम चाहेंगे कि आप पढ़ने से बचें। फिर है, परीक्षा अगर 2 बजे दोपहर के पूर्व हो तो बहुत ही हल्का नाश्ता लें, हो सके तो चाय कॉफी जूस इत्यादि से काम चला लें, और अगर दोपहर 2 बजे के बाद हो तो नाश्ता आप परीक्षा में जाने से 3 घंटा पूर्व में ही कर लें। नेक्स्ट है कि दुविधा वाले प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़े, उसमें उलझे नहीं, और फिर छोड़े गए प्रश्न को बाद में देखें। क्योंकि जहां निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है एग्जाम में तो वहां पर आप फाइनली जो बेस्ट लगे, लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग वाला होता है तो उसके लिए कुछ अलग तरीके से गेस करने की आवश्यकता होती है। बीपीएससी में चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए हमने आपको
इस रूप में इसको बतलाया है। फिर कभी अन्य वीडियो में अन्य एग्जामिनेशन के लिए इसी सिस्टम को कुछ और तरीके से भी हम बताएंगे। तो सभी छात्रों को, सभी परीक्षार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके ज्ञान की पूंजी आपको उस दिन साथ दे और आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न वही आए जो आपने पढ़ रखा है। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं। और बस ये लाइन कि नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे, ये कहते हुए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर से बहुत प्रार्थना, बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोगों का एग्जामिनेशन निश्चित रूप से सफलता का द्वार खोले, ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।